Hello guys, how are you doing? Let's talk about Gunjan Saxena without stretching up this video. Welcome back again to Filmi YouTube channel. Ji haan, aaj release hui hai film Gunjan Saxena aur jo ye kehte the ki nepotism is film ke upar bhari padega, ye unke muh par tamacha hai. Ji haan saathiyo, agar kisi film mein koi star kid hai to iska matlab ye nahi hai ki use acting nahi aati ya wo acting nahi kar sakta. Ji haan, main baat kar raha hu Janhvi Kapoor ki. Janhvi Kapoor ne acha role play kiya hai aur waqai mein ye uski teesri film hai aur kamal ki unhone acting ki hai. Haan, kuch jo scene hai usme brush up unko agar kiya jata to aur uske andar impact aa sakta tha, lekin ye film badi achhi hai. Nikhil Mehrotra ne iski gazab ki kahani likhi hai aur iski jo avadhi hai wo matr 2 ghante ke kareeb ki hai jo aapko bandhe rakhti hai aur kahin bhi aapko bore नहीं होने देगी. और फिल्म के जो हेलीकॉप्टर के सीन हैं, मार्क वुल्फ ने इन्हें डायरेक्ट किया है, वो कमाल के हैं. देखते ही फिल्म की खूबसूरती बनती है उन सीन से. और अब बात आती है फिल्म की स्टोरी लाइन की. जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये कहानी गुंजन सक्सेना की लाइफ है उसी के ऊपर आधारित है. मात्र 24 साल की उम्र में उन्होंने भारतीय वायुसेना में अपनी सेवाएं दी और उन्होंने लगभग 40 के करीब जो मिशन है वो पूरे किए, जिनमें से एक कारगिल का अहम मिशन था. जी हाँ साथियों, इस फिल्म में यही दिखाया गया है कि वो बचपन से किस तरह मेहनत करती हैं और किस तरह उनका एक एम होता है कि उन्हें पायलट बनना है. वो किस तरह अपने एम को पूरा करती हैं और भारतीय वायुसेना में अपनी सेवाएं देती हैं. और हाँ, अगर इनके किरदारों की बात की जाए तो इनके पिता का किरदार पंकज त्रिपाठी ने निभाया है, जिन्होंने कमाल की एक्टिंग की है. और बाप बेटी का जो रिश्ता है वो बड़ा खूबसूरत आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा. साथ में विनीत कुमार को देखेंगे. हाँ, विनीत कुमार को फिल्म में थोड़ी सी और स्पेस देनी चाहिए थी, लेकिन वो जब जब स्क्रीन पर आते हैं कमाल के लगते हैं, अपनी प्रेजेंस छोड़ते हैं. और अंगद बेदी ने भी अच्छा अभिनय किया है. कुल मिलाकर फिल्म बहुत अच्छी है, परिवार के साथ इसे आप देख सकते हैं. और इसकी जो स्टोरी लाइन है वो गुंजन सक्सेना की जो लाइफ है उसी के ऊपर आधारित है. उन्होंने 1000 के करीब जो है जिंदगियों को बचाया था कारगिल जो वॉर था उसके दौरान. तो साथियों, इसी के ऊपर पूरी फिल्म है. फिल्म का जो संगीत है और बैकग्राउंड स्कोर है वो अच्छा है, फिल्म को सूट करता है, फिल्म देखने लायक है, आपको मजा आएगा, कहीं भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी. ये फिल्म नेटफ्लिक्स के ऊपर स्ट्रीम हो रही है. कमाल का अभिनय किया है सभी ने, तो आप इसे देख सकते हैं परिवार के साथ. ये फिल्म एंटरटेन के साथ साथ आपको इंस्पायर भी करेगी. काफी समय के बाद ऐसी फिल्म आई है, इसे आप देखें और एंजॉय करें. आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं. आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई फिल्म या वेब सीरीज के रिव्यू के साथ. टिल देन, टेक केयर, बी सेफ, डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट फिल्मी ताऊ यूट्यूब चैनल. हैव अ नाइस डे. जय हिंद.